वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लैक्मे का न्यू लॉन्च बॉडी लोशन, जो कि अभी 2023 अक्टूबर में लॉन्च हुआ है। गाइस, ये है लैक्मे का पीच मिल्क स्किन परफेक्ट कलेक्शन का विटामिन ई इंटेंस मॉइस्चराइज़र। ये हाउस ऑफ लैक्मे का ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। वैसे तो इनका पीच मिल्क लोशन जो है काफ़ी सालों से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पैकेजिंग, अपना जो प्रोडक्ट है बिल्कुल चेंज कर दिया। इवन क्रीम में भी चेंजेस आए हैं और लोशन में भी चेंजेस आए हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि क्या चेंजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट करता क्या है। तो गाइज़, ये कहता है कि ये लैक्मे पीच मिल्क विटामिन ई इंटेंस मॉइस्चराइज़र है, जो कि गाइस थर्स्टी स्किन, मतलब कि ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। विटामिन ई सीरम है जो कि स्किन को नरिश करता है, और ये स्किन को एक ग्लोई इफेक्ट देता है। मॉइस्चराइज़र है जो कि स्किन को काफ़ी देर तक का मॉइस्चराइजेशन देता है, और सन प्रोटेक्शन भी इसमें है, जो कि आपके एक लोशन के साथ साथ, मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सनस्क्रीन का भी रिज़ल्ट देता है। बात करूँ पैकेजिंग के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इस बार पैकिंग के कलर में पीच कलर दे दिया गया है। बिल्कुल जैसा नाम है वैसी ही पैकिंग है। प्लास्टिक की बॉटल है, फ्लिप फ्लॉप ओपनिंग है, एंड कंसिस्टेंसी जो है गाइस, क्रीम जो है, ये लोशन जो है, ये रनी कंसिस्टेंसी में, बहुत थिक नहीं है, चिपचिप नहीं है, और बहुत ही अच्छी एक पीच फ्रेगनेंस के साथ आता है। ये फ्रेगनेंस वैसी ही है जैसे पहले लैक्मे के लोशन से आती थी, एज इट इज़ वैसी ही फ्रेगनेंस है। कलर जो क्रीम का है वो हल्का सा पिंक टिंट लिए हुए है, जो कि पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है, उसी तरीके का इसका कलर भी है। गाइस, ये जो है क्रीम, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें वाटर है, मिनरल ऑयल है, ग्लिसरीन है, सिट्राइल अल्कोहल है, सल्फेट है, फ्रेगनेंस है, ग्लिसरीन है, स्टेरेट है, सेलुलोज गम है, मिथाइल पैराबेन, प्रोपिलीन पैराबेन, नायासिनमाइड, डाइसोडियम एडिटा, BHT, विटामिन, कैस्टर ऑयल, ये सब कुछ इसमें डाला गया है। मतलब कि ये कोई हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं, इसमें केमिकल्स हैं। एंड एक चीज़ इसमें पैराबेन है, प्रोपिलीन पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, मतलब कि दो तरीके के पैराबेन इसमें मिक्स किए गए हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको, मतलब, एक लाइट मॉइस्चराइज़र चाहिए। इसमें गाइस थिक कंसिस्टेंसी में क्रीम दी गई है, और रनी कंसिस्टेंसी में ये जो बॉटल वाला लोशन दिया गया है। SPF ज़्यादा के लिए आप इसका अलग वेरिएंट जो आया है वो ट्राई कर सकते हैं, वो SPF के साथ आया है। बाकी जो ये लोशन है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब कि अगर जिनकी ऑयली स्किन है और विंटर में कोई लाइट वेट लोशन चाह रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि ये जो है उतना ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजेशन नहीं देगा, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है या फिर स्किन थोड़ी ज़्यादा ही होने लगती है विंटर में, तो आप इसका जो जार वाला टब है वो यूज़ करें। बाकी बात करें कि पीची पिंक ग्लो, तो ऐसा कोई पिंक ग्लो नहीं ये दे देता है, लेकिन हाँ, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ऑयली नहीं बनाता और काला नहीं बनाता, जो कि ज़्यादातर मैंने लोशन या क्रीम देखे हैं जो सर्दियों में यूज़ तो की जाती है, स्किन बिल्कुल काली हो जाती है। ये ऐसा कुछ नहीं करता, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, जो विंटर्स में लोशन या मॉइस्चराइज़र चाह रहे हो फेस के लिए हल्का वाला, वो यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन ब्यूटीज़ के लिए इसका क्रीम अवेलेबल है। सो गाइज, इसके कोई नुकसान नहीं है, ये क्रीम बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल है, और कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज़ करो तो पैच टेस्ट कर लो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। टेक केयर।